हाँ मैं जरा कहीं निकली भी हूँ बाहर, फिर बात करती हूँ तुमसे। ओके अल्लाह हाफिज। चलो यहाँ क्यों बैठे हुए, अंदर नहीं आओगे क्या? हमजा मैंने कहा था ना कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्या हो गया है हमजा, क्या शादी के बाद भी बाहर से चले जाया करोगे? एनीवेज बैठे रहो गाड़ी। दर्द तेरा हम दिल में छुपा के कैसे जिएंगे बता, कैसे जिएंगे बता। उस बेवफा से दिल को लगा के हमको मिला भी है क्या, हमको मिला भी है क्या। ये जुनून तानिया, तानिया, तानिया। दानिश, दानिश रानिया को देखो। रानिया, मुझे मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। अविंदर की तरफ भी देखा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तो यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, अम्मा देखे तो मैं खुश होंगी। वो अम्मी का फोन गाड़ी में रह गया था, वही देने के लिए आया था। सानिया को चक्कर आ गए, इस ये ओके? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, सारी रात बातें करते रहते हैं, मूवीज देखते हैं, तो नींद कहाँ से पूरी होगी, और नींद पूरी नहीं होगी तो चक्कर तो आएंगे ही ना। तुम अंदर चलो, चलो आ जाओ। चली गई तेरी सहेलियां? हाँ चली गई, उनके सामने डाइटिंग का ड्रामा कर करके मेरा दिल घबरा रहा था, दिल कर रहा था सब कुछ खा जाऊं। चला तू भी आके खा ले चाट, बड़ी मजे की कसम से। मेरी बात सुन। तुझे कितनी दफा समझाना पड़ेगा कि मोहल्ले की औरतों को घर ना बुलाया कर। ये छोड़ ना, टाइम पास है, तू आ चाट खा, बहुत मजे की कसम से। आती हूँ। क्या मुसीबत, कहाँ बिजी है घामड़ मनुष कहीं का। कौन, वो सेठ लड़का? और नहीं तो क्या। अरे तुझे कितनी बार समझाया है कि लड़के खुद कॉल करते हैं लड़कियों को, लड़कियां कॉल करते हैं उनके पीछे लगती भी अच्छी नहीं लगती, समझी? कितनी बार समझाती हूँ मैं तुझे, तेरी अकल में बात नहीं आती। ओफो, माँ आजकल के लड़के ना ऐसे नहीं है कि लड़कियों ने फोन करेंगे तो दिल से उतर जाएंगी। आजकल के लड़के ना बड़े एडवांस हैं और लड़कियां भी एडवांस ही पसंद करते हैं, ये पर्दों में और शर्मीली लड़कियां किसी को पसंद नहीं आती। अरे भाई तू ज्यादा बेहतर जानती है, लेकिन जो भी करना ना बड़े एहतियात से करना, ऐसा ना हो कि फंसा हुआ शिकार हाथ से निकल जाए फुर करके। किसकी बेटी हूँ मैं? तेरी बेटी हूँ। जाने तो मैं भी नहीं दूंगी इसको, फोन उठा ले एक दफा मेरा। शाबाश। तो
बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की बाहों में झूला झूलने का, और मुझे तो करीब भी नहीं आने देती हो तुम। फॉर गॉड्स सेक दानिश, तुम्हें बताया तो था कल के मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे थे मुझे। चक्कर? अगर तुम प्रेग्नेंट ना होती ना तो बताता मैं तुम। दूसरों की बाहों में झूला झूल के ड्रामा करने का अंजाम क्या होता है? शट अप शट अप, चुप हो जाओ दानिश, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। चक्कर आ रहे हैं मुझे, सर घूम रहा है मेरा। अपनी तबीयत का बहाना बनाकर मेरे सवालों से जान छुड़ाना अच्छी तरह से आता ना तुमको? ये मुझसे नजर को चुरा रही हो? इधर देख के बात करो, दिल में खोट है ना तुम्हारे? मेरे दिल में खोट है? पता नहीं, वैसे भी मैं काफी दिनों से सोच रहा, ये जो हमारे घर में ये गुड न्यूज आई है काफी जल्दी नहीं आ गई? मुझे सच सुनना है रानिया, ये मेरा ही बच्चा है या फिर तुम जैसे गिरी सोच रखने वाले शख्स से किसी और अच्छी बात की उम्मीद है कैसे की जा सकती है? मेरी बात मत डालो, मत डालो मेरी बात। कितने दिन से मैं इस बात को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज जो कुछ हुआ, तुम समझ नहीं रही हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे श्योरिटी चाहिए कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं, वरना तुम्हारा क्या पता। इतनी बात की दादी तो फिर शादी क्यों की है मुझसे? मुझे तुम्हारी बात किरदार की सजा देनी है तुमको, इसलिए मुझे जानना जरूरी है। रानिया मुझे सच सुनना, मुझे सच सुनना है, मुझे सच सुनना है कि ये मेरा बच्चा है या नहीं। तुम्हें जवाब चाहिए ना, जवाब चाहिए ना, अभी दूंगी। रानिया मरना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने दूंगा? हरगिज नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी, क्योंकि तुम्हारी निजात मेरी हार है। छोड़ो, मुझे थक गई हूँ मैं, मरना चाहती हूँ मैं, बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो। जैसे मैं जल रहा हूं ना, वैसे ही तुम जलोगी। चॉइस तुम्हारी है, कितना और कब तक जलना है। मैं तो आदि हूं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना सोचो, आई स्वेयर मैं भी यही चाहता हूं कि तुम जलो, जड़ी जल कर राख हो जाओ, या तो राख हो जाओ या मेरी हो जाओ, बस।